नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कॉलेज बरवानी में छात्र प्रतिनिधि वीरेंद्र खेड़े के द्वारा ऑफलाइन हो रहे प्रवेश संबंध में प्रवेश संबंधित जानकारी ली और प्रवेश में बिना धांधली करे निष्पक्ष प्रवेश कैसे प्रवेश लिया जाने के संबंध में चर्चा की, जिससे कि हर छात्र को प्रवेश मिल सके। जिसमें जयस जिला अध्यक्ष संदीप सोलंकी ने बताया कि प्राचार्य को पूर्व में दिए गए ज्ञापन के संबंध में कॉलेज का नियम वाले बनाकर जाए, उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन करने के लिए बुलाया जाए, जिसमें दस्तावेज सत्यापन करते समय छात्रों से शपथ पत्र भरवा जाए। शपथ पत्र में नियम वाले 75% उपस्थित और ड्रेस कोड के साथ साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए शपथ पत्र भरवाया जाए। अगर बच्चा को शपथ पत्र का अवलोहन करता है तो बच्चों पर कॉलेज प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए और शाम द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित किया जाए। लाल सिंह सोलंकी ने बताया कि हम आदिवासी बहुल इलाकों से आते हैं, हमारे माता पिता हमें मजदूरी करके भेजते हैं, जिससे कि हम छात्र को अच्छी शिक्षा मिल सके। प्राचार्य को अवगत कराया गया कि कॉलेज पर प्रोफेसरों द्वारा कॉलेज में आकर सिर्फ अटेंडेंस लगाकर मार्केट में इधर उधर घूमते पाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को लेक्चर नहीं मिल पाता है, तो ऐसे प्रोफेसर पर भी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आज प्राचार्य जी को छात्र संगठन द्वारा आवेदन दिया गया। वो अपना लिंक खुलने पर अपना ये कोई आवेदन दिया था उन्होंने, आवेदन उन्होंने के संदर्भ में दिया है कि जो 75% अटेंडेंस बच्चों की अनिवार्यता लागू की जाए और जो बच्चे इतनी उपस्थिति नहीं दे पाते हैं उनको जो शासन की योजनाओं का जो लाभ मिलता है उसे उनको वंचित कर दिया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिया है। बाकी जो प्रवेश प्रक्रिया में भी जो है CLC राउंड चल रहा है, जो कि महाविद्यालय स्तर पर ही किया जाना है और शासन के इस पत्र के अनुसार ही जो इसको संपन्न कराया जा रहा है। शासन का पत्र आया हुआ है और इसमें जितनी भी सीटें जिस विभाग में जिस विषय की खाली बची हुई हैं उसके पर विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उसकी जो टीम बनी हुई है प्रवेश समितियों की, वो उसकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे नंबरों के आधार पर। उस मेरिट लिस्ट को बाहर लगा दिया जाएगा और जो बच्चे इच्छुक हैं उस विषय में उस विभाग में एडमिशन लेने के लिए, वो अपना लिंक खुलने पर अपना फीस जमा करके और अपना एडमिशन जो है वहाँ पर ले सकते हैं। और प्रतिदिन जितनी सीटें भर जाएंगी अगले दिन जितनी सीटें खाली रहेंगी उसके लिए फिर से मेरिट बनाई जाएगी, फिर से उसको लगाया जाएगा और ये प्रक्रिया जो है 31 अगस्त तक चलेगी। अच्छा, पिछली बार भी उन्होंने कोई आरोप लगाया था कि वो एडमिशन में कोई गड़बड़ियाँ हो रही थी ऑफलाइन ऑनलाइन के अंतर्गत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन पे तो कई गड़बड़ियाँ का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वो तो वहीं से लिस्ट बन के आती है, भोपाल से लिस्ट बन के आती है। CLC राउंड में भी सभी प्राध्यापकों को निर्देश दिया गया है और कल इसी संदर्भ में मीटिंग रखी गई थी प्राध्यापकों की, क्योंकि हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कमिश्नर साहब के द्वारा जो हिदायत है जो निर्देश दिए गए थे वो प्राध्यापकों को बताए गए कि आपको इन नियमों के तहत इन निर्देशों के तहत आपको जो है एडमिशन करना है और सभी क्लासेस के लिए समितियां बना दी गई हैं, सबको निर्देश दे दिए गए हैं, सबको आवश्यक कागज उपलब्ध कराए गए हैं और सबको 3 बजे तक का टाइम दिया गया है आज कि आप अपने फॉर्म लें बच्चों के, उनकी मेरिट लिस्ट बनाएं, उनको बाहर लगाएं और जैसे ही शासन की लिंक खुलती है उनको फीस भर के उनको एडमिशन दें। अच्छा, दूसरा मुद्दा उन्होंने बताया ड्रेस कोड लागू करा करने का। ड्रेस कोड का मुद्दा पहले भी उठा था, बच्चों को बताया गया था, लागू करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन अब हमारा कॉलेज जो है प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस हो गया और पूरे मध्य प्रदेश में 55 कॉलेजों को जिस तरह से इस कैटेगरी में जो है रखा गया है। शासन के द्वारा हमसे सुझाव भी मांगे गए कि ड्रेस कोड के संबंध में आपके क्या विचार हैं, आप अपने प्राध्यापकों से विद्यार्थियों से जन संपर्क से भी सबसे आप विचार विमर्श करके सुझाव उनको प्रेरित करना है, प्रेषित करना है उनको। और यदि उनका एक पॉलिसी बनती है कि किस प्रकार के ड्रेस कॉलेज में लागू की जाए, क्या प्रधानमंत्री एक्सेलेंस की कोई अलग ड्रेस होनी चाहिए या सारे कॉलेज के लिए एक समान ड्रेस होनी चाहिए, या महाविद्यालय अपने स्तर पर इसको निर्धारित कर सकता है, ऐसा निर्देश जब हमको प्राप्त होगा हम उसके साथ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, तीसरा मुद्दा बता रहे जो स्थानीय कॉलेज के अंदर है कुछ लोग जो है यहाँ आके बेड़ी आते बगीचे में आते हैं बिना अनुमति के, यहाँ जो जिनका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, अवांछित लोग आते हैं तो उस संबंध में भी शिकायत है, तो वहाँ पर जो गार्ड वार्ड रुकते नहीं, चेक भी नहीं करते थे, इस मामले में आप पर क्या रहेगा? अभी विद्यार्थियों को जो है परिचय पत्र बनने को दिए हुए जो आए नहीं है, परिचय पत्र देने के बाद जो है विद्यार्थियों को ये अनिवार्य किया जाएगा कि वह परिचय पत्र पहन के ही महाविद्यालय में प्रवेश करें। इससे हम महाविद्यालय के विद्यार्थियों को बाहर के विद्यार्थियों से पहचान सकते हैं कि कौन से विद्यार्थी बाहर के, इसलिए उनके पर कार्रवाई की जाए। आपका पूरा परिचय? वीरेंद्र खेड़े, छात्र प्रतिनिधि। अच्छा, कहाँ के निवासी आप? बड़वानी से। अच्छा, आज भवानी यहाँ कॉलेज में कोई समस्या लेकर आए, क्या समस्या? समस्या के संबंध में जैसे अभी शासन का कुछ वर्षों
वर्षों से जो ऑफलाइन प्रक्रिया एडमिशन प्रक्रिया थी वो बंद हो गई थी, लेकिन इस साल एडमिशन नहीं होने पर शासन ने वापस ऑफलाइन प्रक्रिया चालू करी है, जिसका आज अंतिम दिन था। उसके संबंध में हमको हमने मैडम से बात करी, प्रचारी मैडम से बात करी है कि जो समिति बनेगी उसमें हम छात्र प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए, ताकि जो एडमिशन प्रक्रिया में ऑफलाइन होती है उसमें धांधली होती है उसको रोका जा सके। उस संबंध में हमने मैडम से बात करी। अच्छा, आपने धांधली का बताया, कौन कौन से पूर्व धांधली होंगी? हाँ, इससे पूर्व जो ऑफलाइन प्रक्रिया होती थी उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन होता वो दबाव में आकर, कोई नेता के दबाव में आके या कोई ऐसे व्यक्ति के जो उच्च कर्मचारी होते उनके दबाव में आकर उनके परिचित बच्चों का करवा लेते, गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता था उसमें। इस संबंध में जो चर्चा करी तो आपको मैडम ने क्या बोला? हाँ, उस संबंध में मैडम से चर्चा करी तो उन्होंने बताया कि उसमें कुछ प्रक्रिया बताएंगे और उस संबंध में हम जो भी रहेगा सबके सामने लाएंगे, उसको समिति बनाएंगे, समिति बना के उसको पूर्णतः सही करके उसको बच्चों का एडमिशन करेंगे। इसके अलावा और कोई बिंदु पे चर्चा हुई है? उसके अलावा जो बिंदु पे चर्चा हुई है कि जो शासन का जो गाइडलाइन होता है कि बच्चा 75% में उपस्थिति हो, लेकिन कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि बच्चा 75% उपस्थिति छोड़कर 1-2% उपस्थिति हो रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे है कि सिर्फ वो सीसीआर देने आते हैं और मात्र कॉलेज में स्कॉलर आवास के फॉर्म जमा करने आते हैं, तो ऐसे बच्चों पर कार्रवाई की जाए जो 75% उपस्थिति नहीं हो रहे। अगर 75% उपस्थिति नहीं होते हैं उन पर जो भी शासन का लाभ होता है उनको उनसे वंचित किया जाए। और दूसरी जो हमारी समस्या जो थी, जो 2-3 वर्ष से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो पीजी कॉलेज है वो शहर के बीचों बीच मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों स्टूडेंट आते हैं, तो यहाँ पे बाहरी बच्चों का ज्यादा आवागमन होता है, तो जो छात्र आते हैं उनको ड्रेस कोड लागू की जाए ताकि बच्चों का जो बाहरी व्यक्ति होता है उनका वेरिफिकेशन कर पाए कि वास्तविक बच्चा ये कॉलेज का है कि नहीं है, जिससे यहाँ पे जो घटनाएं होती है उसको विराम दे पाए। अच्छा, जैसे पिछले दिनों में शासन के आदेश भी हुए थे कि वो ड्रेस कोड वगैरह लागू करने का आदेश हुए थे, उसमें आदेश तो हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन वो नाकाम रहा है, क्योंकि गाइडलाइन नहीं बनाई गई थी कि बच्चा कंपलसरी बैग पहन के ही आया था, क्योंकि गार्ड को सिर्फ वहाँ पे खड़ा रखते हैं, लेकिन गार्ड को निर्देश नहीं दिया गया था कि उनको बच्चों अगर जो ड्रेस कोड नहीं पहन के आया तो उनको वापस पहुंचाया जाए, उनको निर्देशित किया जाए कि भाई तू ड्रेस कोड पहन के आए, लेकिन जो कॉलेज प्रशासन इसका पूर्णतः पालन नहीं कर पाया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।